मुंबई के नागपाड़ा पर स्थित MIM मुख्यालय में 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर MIM के मुंबई अध्यक्ष साकिर पटनी विधायक वारिस पठान ने तिरंगा झंडा फहराया। जनता को संबोधित करते हुए वारिस पठान ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भी याद किया। वहीं मुंबई अध्यक्ष साकिर पटनी ने भारतीय संवाद संविधान की जमकर तारीफ की। 26 जनवरी के मौके पर सभी हमारे भारत के भाइयों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी जो हैं, उन सबको मेरी दिली मुबारकबादी है। और आज के मौके पर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम लोगों को एक साथ होके मिलकर एक ऐसी ताकत बननी है जिसमें हिंदुस्तान की तरक्की हो, और अगर कोई भी बुरी नज़र हमारे देश पे देखता है तो हम ऐसी ताकत बने कि हम उसका डट के मुकाबला कर सकें। हमारी तैयारियां तो बड़े ज़ोरों शोरों पर है और हम लोग ग्राउंड लेवल पर काफ़ी काम कर रहे हैं। हर इलाके में जितनी हमारी अभी सीट्स डिक्लेयर हुई है वहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट्स मेहनत कर रहे हैं, और इसके अलावा जिन इलाकों में अभी हमारी टिकट्स के हमारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए नहीं हैं वहाँ पर भी जो हमारे कैडर है, हमारे मेंबर्स है, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और यकीन है हमको हमारे वर्करों पर, हमारे वोटर्स पर, कि इस बार चुनाव में रिजल्ट मजलिस के फेवर में बहुत ही अच्छा आएगा। पहली बार तो हम मजलिस के सामने किसी को चुनौती मानते ही नहीं हैं। आज मजलिस ये इस इंतखाबात में अपना डेब्यू करने जा रही है, तो हमारे पास कोई वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़, कि हमने ऐसा कभी कोई पिछले 5 साल में ऐसा कोई गलत काम किया नहीं है कि जिसकी शिकायत आवाम हमसे कर सके। और इसके मुकाबले में अगर किसी और पार्टी की आप बात देखो, कांग्रेस है, समाजवादी है, जो भी मुख्तलिफ पार्टियां हैं, BJP, NCP, तो वो लोग तो काफ़ी सालों से यहां पर कॉरपोरेशन में जीतते आ रहे हैं और काम करते आ रहे हैं, फिर भी जो आवाम को जो बुनियादी तकलीफ़ है इतने सालों से, आज भी उनको उस तकलीफ़ से गुजरना होता है। और बारिश के मौसम में भी देखो उनका क्या हाल होता है, या जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है, हर वक्त हर इलाकों में तकलीफ़ मौजूद है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमने अगर हमारे लोग जीत के आते हैं तो कम से कम हम उन सब से तो बेहतर काम करके आवाम को बताएं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस BMC चुनाव में? देखो, मुद्दे तो कोई नए मुद्दे तो होते नहीं हैं। आज इंसान के बेसिक बुनियादी मुद्दे तो क्या है कि भाई साफ सुथरी सड़कें हो, पानी अच्छा हो, बिजली हो, अच्छी बिल्डिंग, साफ सुथरी इमारतें हों, और जनरल जो एक आम आदमी को, जो बड़े से बड़ा इंसान अगर रास्ते पे गुजरता है और एक छोटे से छोटा इंसान अगर रास्ते पे गुजरता है, तो जो दिक्कतें छोटे को आती है वही बड़े को आती है। तो वो रास्ते पे जो बेसिक पब्लिक नेसेसिटीज़ हो वो हम उस पर एड्रेस करें, और जो काम पहले जिन कॉरपोरेटर्स ने किया उनसे बेहतर काम करके हम आवाम को बताएं, ताकि 5 साल में कुछ डिफरेंस हम करके दें। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आज 5 साल में आज हमको जिता दो तो हम आपको इतने झूठे वादे करेंगे, हम ये करेंगे, हम बड़ी बड़ी बातों पे यकीन नहीं रखते। और कोशिश तो यही रहेगी कि एक बेसिक लेवल पर एक अच्छा काम करके लोगों को बताएं। मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को मेरी जानिब से, मेरे प्रेसिडेंट जनाब साकिर पटनी साहब की तरफ से और पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं, मुबारकबाद देना चाहूंगा, और एक ही नारा रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। संदेश देना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर, एक होकर, सबके साथ चलकर हमारे देश को मजबूत करना होगा, हमारे देश को करप्शन फ्री करना होगा, हमारे देश में जो आज तेरा मेरा फिरका परसी चल रही है इसको ख़त्म करना होगा। ये तब ख़त्म होगा जब हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे को पूरा अपना अपना हक देकर आगे बढ़ेंगे। ने डिसाइड किया है कि तकरीबन 50 से 55 तक की सीट पे हम लड़ेंगे। फिलहाल एक पहली लिस्ट जाहिर हो चुकी है 18 जनों की, अभी बहुत ही चुनिंदा चंद वक्त के अंदर दूसरी लिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी। और रणनीति तो एक ही है कि सबको मिलकर काम करना है, मेहनत करना है, वक्त बहुत कम है और बड़ा काम है। सर, क्या मुद्दे रहेंगे MIM के इस BMC इलेक्शन में? मुद्दे ऐसा मैंने आपको बताया, बेसिक फैसिलिटीज़ जो देना है लोगों को, जैसे कि जो उर्दू मीडियम की स्कूलें बंद पड़ी है, काफ़ी हर मीडियम की स्कूल जो BMC रन करती थी वो जो बंद पड़ी है उसको किसी ने चालू करने की आज तक कोशिश नहीं की, तो MIM की एक हम पे भरोसा है कि हम उनका काम करके दिखाएंगे और इसी जोश और जज्बे के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया।
बदले सोच समय के साथ।